बिहार के प्राणपुर प्रखंड के काठघर पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय धबोल में एमडीएम प्रभारी नियाज आलम और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने विद्यालय में 9:20 में औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दरमियान प्रधानाध्यापक अब्दुल बारिक से जब अटेंडेंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने 292 छात्र छात्राओं की उपस्थिति बता दी, लेकिन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने मध्याह्न भोजन की जांच की तो मध्याह्न भोजन में अनियमितता पाया गया और महज 100 छात्र छात्राओं का ही खाना बनाया गया था। रसोईया ने बताया कि सभी दिन प्रधानाध्यापक अब्दुल बारिक मध्याह्न भोजन कम बनवाते हैं और खाना घट जाता है, कई मर्तबा बच्चों को भूखा भी रहना पड़ता है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक एमडीएम प्रभारी ने बताया कि इस विद्यालय में हम लोगों ने औचक निरीक्षण किया है और कई तरह की कमियां पाई गई हैं जिसको लेकर कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय की जांच की गई है और सारे पंजियों का मिलान किया गया है। भोजन जो है इनके अनुसार 100 बच्चों का बनाया गया है और इनका कहना है कि जो रोजेदार बच्चे हैं वो खाना नहीं खाते हैं, उसके बदले में उनको जो है चना वगैरह दिया जाता है। आज के डेट में उपस्थित कितने थे सर? आज के डेट में उपस्थित बच्चे 292 सर। उसमें खाना कितने का बच्चे का बना? उसमें भोजन जो है रसोईया के अनुसार 100 बच्चों का बनाया गया है, बाकी बच्चों के लिए जो है चना बनाया गया है। जी, तो 192 बच्चे रोजे हैं क्या सर? अब इनके अनुसार तो यही कहना है 192 बच्चे रोजे। किन के अनुसार सर? हेडमास्टर साहब के अनुसार।